नमस्ते, आज हम लोग को क्या देखने के लिए जा रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट द जीपीएम ऑफ एफसीयू, सीएसयू, एएचयू, पाहू एंड वाहू। जीपीएम मतलब क्या है, जीपीएम मतलब क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड का जो यूनिट है ना वो तो जीपीएम है, ठीक है। वो तो जीपीएम मतलब गैलन पर मिनट, उसका एफसीयू का, सीएसयू का, एएचयू का, पाहू एंड वाहू का जो हाई से कैलकुलेट करना है। एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, टीआरसी इक्वल टू जीपीएम इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 24। इसमें हम लोग को क्या चाहिए, जीपीएम चाहिए, जीपीएम का इधर ही रखो तो टीआर इंटू 24, ये तो डिवाइडेड इधर आ जाएगा, सो डेल्टा टी। टीआर मतलब क्या है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टीआर मतलब क्या है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, एंड डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द फ्लूइड। अभी देखो, अभी मान लीजिए मैं तो एक एएचयू में ले रहा हूँ, ये एएचयू का कैपेसिटी 20 टीआर है, इसका हम लोग को जीपीएम कैलकुलेट करना है। वो जीपीएम का फिर वो टनेज मालूम पड़ गया, अभी क्या मालूम होना चाहिए, डेल्टा टी मालूम होना चाहिए। डेल्टा टी के लिए क्या, टेम्परेचर आउटलेट माइनस टेम्परेचर इनलेट, ठीक है। अभी इधर देखो, एएचयू का जो एवोपरेटर कॉइल है, इधर का एवोपरेटर कॉइल है, एवोपरेटर कॉइल का इनलेट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, आउटलेट टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, ये दोनों का डिफरेंस कितना डिग्री फारेनहाइट, सॉरी ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 18 डिग्री फारेनहाइट। अभी ये देखो, अभी जीपीएम है ना, ये यूनिट का जीपीएम कैलकुलेट करने के लिए इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस का हिसाब से भी वो चेंज होता है, लेकिन हम लोग को एक मतलब स्टैंडर्ड मतलब अज्यूम करके हम लोग को फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये तो जीपीएम वो अभी टेम्परेचर डिफरेंस का हिसाब से वो तो चेंज होगा, ठीक है। अभी देखो, फार्मूला में अप्लाई करेंगे, जीपीएम इक्वल टू टीआर का कितना है, 20 टीआर, वो अप्लाई कर दो। ये एक्चुअली फार्मूला में 24 है, इंटू 24 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी 18 डिग्री फारेनहाइट, 18 दोनों सब कुछ डिवाइड करने से कितना आता है, 26.66। सो अभी मैं राउंड ऑफ निकलता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 27 जीपीएम आता है। ये 20 टीआर एनएच का जो एएच है उसका फ्लो रेट कितना होता है, 27 आ जाता है, ठीक है। 27 जीपीएम इसका फ्लो रेट क्या है, 27 जीपीएम, ये डिपेंड्स, ये प्योरली ये तो चेंज होगा किसका हिसाब से, वो टनेज तो बराबर रहेगा, टनेज तो एक ही टनेज है यूनिट का, जो टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से वो जीपीएम तो चेंज होगा, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब करो, आपका कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।